हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली आज का क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज मैं गया सुबह सुबह पेट्रोल भराने, मतलब राइट बिफोर दिस पेट्रोल भराने गया, तो उधर से एक आदमी कार से निकल के, मतलब गुस्से में था, ओके, कार से निकल के आया, कुछ झगड़ा वगड़ा किया, उसके बाद में वापस निकलते निकलते मेरे को बोल के गया, निकलते मेरे को बोल के गया, भैया तुम यहाँ से मत भराओ, यहाँ पे ये लोग एक लीटर बोल के आधा लीटर ही भरा रहे। क्या बोला तूने? मैं तो लाइन में खड़ा था, तो वो तो गुस्से में बोल के चला गया। अभी बाकी के उधर जितने भी लोग खड़े पेट्रोल पंप वाले, मतलब जो पेट्रोल भरते हैं, अरे वो, अरे नहीं नहीं भैया भैया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भैया, ये तो ऐसे चोर है, चोर है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये पेट्रोल पंप वाले चोर है कि आदमी चोर है। तो इधर अभी मैं शर्म के मारे सर सब लाइन में खड़े थे, मैं बोला चलो भरा ही देता भाई, इस बार भर लेता अगली बार नहीं भराऊंगा। और क्या, मेरे को लगता नहीं कि लोग चोरी वोरी करते, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही है और मैं हर बार ही वहाँ से ही भराता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। मेरे को तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अभी वो बोल रहा है उसने कभी नोटिस किया तो पता नहीं, कुछ तो होएगा जो चौपट है, ऐसी कोई आदमी आके बोलेगा नहीं। वो आलीशान बिल्डिंग फनी सीन हुआ। मैं एक्चुअली पार्किंग लॉट के घुसने के पहले ना एक भाजी वाले खड़े रहते उधर, ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या मूड में आया ऐसे हेलमेट के अंदर गाने लग गया, ओ मैं निकलना गड्डी लेके। वो मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही होगी। सब लोग भाजी वाले सब मुड़ के मेरे को देखते हैं, कहाँ निकला ये गड्डी लेके। तो आपको एक मस्त सारा मैजिक दिखाता हूँ आज, ठीक है, एक जो चेंज हुआ है अभी अभी। तो देखिए हम आ गए इधर, मेरे यहाँ पे पता है विंड मॉफ लगा रहता था, अभी वो विंड मॉफ गिर चुका है। कहाँ पे गिरा, हमेशा उसका टेंशन रहता था और आखिर में वो गिर ही गया। ओ बस तू भाग मिलखा, मसाला वगड़ हो गया है, कालिया हो गया है, पूरा बाल जंगली जैसे बन चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जाएंगे घर पे, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे और मस्त आराम करेंगे थोड़ा सा, फिर और काम करेंगे, यही है लाइफ ब्रो। तो भाई ये प्रश्न है मेरे दिमाग में कि किस व्यक्ति ने एक्चुअली ये सोचा कि साला चलो भाई सेंट्रो उठाते हैं और सेंट्रो को टैक्सी बना देते हैं, मतलब क्यों ये चालू कैसे हुआ? सेंट्रो के पहले तो वो एम्बेसडर जैसी गाड़ी आती थी, उसके बाद में सेंट्रो कैसे आ गए? मतलब क्या फीचर देख के वो लोगों ने टैक्सी बना दी? बेचारे एक कार को उठाया और टैक्सी बना दिया यार। सेंट्रो और वो वैन आती है ना मारुति सुजुकी, वो मतलब किसने चालू किया ये ट्रेंड? हाँ, और क्या सोच के, मतलब क्या ये गाड़ी सस्ती थी इसलिए, क्या ये गाड़ी सस्ती और स्पेशियस थी इसलिए, क्या ब्लैक और येलो कलर अच्छा दिखता था सेंट्रो के ऊपर इसलिए? मतलब क्यों, मतलब समझो ना यार, इट इज़ सो फनी कि किसी ने सेंट्रो लिया होगा बहुत सालों पहले और अभी वो सब जगह देखता था साला सेंट्रो की टैक्सी आई है, तो ये देख के तो उसने आधे लोगों ने सेंट्रो बेच दिया होगा अपनी। तो वही, मतलब वो कार का नाम ऐसा ख़राब हुआ कि अच्छा हुआ, वो तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हो गया जो होना था। इसी बात में हुंडई वाले ने तो मस्त कमा दिया भाई। आ चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर और थोड़ा सा एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर ही लेते हैं, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन क्या है, ये ब्रिज पे कभी कभी लोग जो कार चलाने वाले होते हैं वो इस साइड से इस साइड पे, मतलब दूसरे साइड पे आ जाते हैं, और वो भी एकदम भगा के, मतलब पता है चलो भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा बहुत सारा कार भगाने का, बट वाई यू हैव टू डू दैट राइट? कार में चलो, बाइक में तो समझ लेता हूँ फट से निकल जाता है एक सेकंड में हो जाता है, लेकिन आप कार में आ जाते हो आगे और आपके बाजू में कार कोई कार आ जाती है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो और अटक जाओगे इस साइड, इतना सा ब्रिज है ये, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे ओवरटेक करके आ रहे हो, फट करके ठोक देगा, तो फिर क्यों इतना फास्ट क्यों चलाना है आपको? दो मिनट रुक जाओ यार, ये साला ब्रिज कितना 5 मिनट भी लास्ट नहीं करता है, समझो ना, क्योंकि इस ब्रिज पे मैंने कभी ट्रैफिक तो देखा नहीं है। ऐसा नहीं कि स्लो में निकल रहे हैं, फास्ट में निकलेंगे फोर व्हीलर लेके, तो भाई क्या बोलो, फिर तो उड़ना ही है आपको। और फिर थोड़े घंटे बाद हम गए बॉलिंग करने, आए थे बॉलिंग करने के लिए, लेकिन बॉलिंग तो चालू नहीं हुआ, उसके पहले भूख लग गई, सब फूड कोर्ट में आ गए पार्क पार्क के। और बोलेंगे कैसे गेम है जो अपने स्टाइल में खेल सकते हो, चाहे आप खराब भी खेलो लेकिन फिर भी अपने स्टाइल में खेल सकते हो। इतना बड़ा मॉल है, एग्जिट ही नहीं मिल रहा है। ले आंटी को पूछ, आंटी को पूछ कहाँ पे। दूसरा मुस्कुराते रहो, अपनी मुस्कान की चमक से दूसरों का भी ज्यादा।